কংগ্রেস কর্মীরা বুধবার ইডি অফিসে ঘেরাও করেছে এবং ইডি অফিসের বাইরে তাদের নেতা রাহুল গান্ধীর কাছে ইডির তলবের বিরুদ্ধে ধর্ণা করেছে। বিরোধী নেতাদের ভয় দেখানোর জন্য কেন্দ্রের সংস্থা অপব্যবহার বলে অভিমত ব্যক্ত করে কংগ্রেস নেতৃত্বরা। রাহুল গান্ধীর ন্যাশনাল হেরাল্ড মানি ল্যান্ডারিং তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়াদিল্লিতে ইডির সামনে হাজির হন। পিসিসির রাজ্য সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেছেন, কেন্দ্র সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপগুলি কংগ্রেস কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা। क्योंकि हम सावरकर नहीं है, हम राहुल गांधी है और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेता के साथ उनके समर्थन में, चाहे जेल भरना पड़े हम जेल भरेंगे, पर अपना नेता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सच का सामना करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी सरकार एक षड्यंत्र रच रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए। त्रिपुरा वासी के लिए आपका क्या मैसेज? त्रिपुरा वासियों के लिए यही मैसेज है कि झूठ का शिकार ना हो, जुमलों का शिकार ना हो, आगे बढ़िए, एक सशक्त सरकार चुनिए जहाँ पे आपको हक है आपकी मन की बात बोलने की, ना कि सिर्फ आपको एक ही आदमी के मन की बात सुनने का सुनने के लिए आपको जोर दिया जाए। एक ऐसी सरकार चुनिए जहाँ पे आपको स्वाधीन